सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों टेक्निकल में सबका स्वागत है। तो दोस्तों आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस पे नोटिस किए होंगे, जब भी कोई किसी चीज़ की एक्सप्लेन करते हैं या फिर अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड करके ट्यूटोरियल वीडियो बनाते हैं तो उसका एक लाइव माउजर पॉइंट चल रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में वही शेयर करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को रिकॉर्ड करते समय लाइव कर्सर जो पॉइंट होते हैं उसे पॉइंट आउट कर सकते हो और अपने जो व्यूअर्स होते हैं अच्छी तरीके से अपने एक्सप्लेनेशन को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो के साथ हमने अगर तो वीडियो के स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नया चाहो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने फ़ोन को प्ले स्टोर में ओपन कर लेना, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है माउस पॉइंटर, ठीक है। तो माउस पॉइंटर सर्च करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, ऑलवेज विजिबल पॉइंटर, ठीक है। तो उसको आपको क्लिक कर देना है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑलवेज विजिबल माउस पे क्लिक करने के बाद इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 या 4 MB का एप्लीकेशन है, इसे आसानी से आपको इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन करना है, ठीक है। तो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो ओपन हो जाने के बाद आपको कुछ सेटिंग करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो ऊपर वाला एक ऑप्शन दिखा है उसको आपको एनेबल करना है, ठीक है। तो जैसे आप एनेबल करोगे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, तो इस पर भी आपको एप्लीकेशन को एनेबल कर देना है, ठीक है। यानी कि आपके साथ कुछ परमिशन मांगेगा ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको सिंपली इस परमिशन को अप्लाई किया यानी कि एनेबल कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप उस एप्लीकेशन के परमिशन को एनेबल करोगे आपके सामने एक माउस पॉइंटर ओपन होगा यानी शो करना स्टार्ट कर देगा। तो देख सकते हो मेरा जो पॉइंटर है वो शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना है, तो सेटिंग के लिए आपको क्या करना है, एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको वन बटन यानी लेफ्ट साइड पे जो वन बटन का ऑप्शन दिखाई देगा उसके आपको एनेबल कर देना है। तो जैसे आप एनेबल करोगे आपके सामने एक कर्सर ओपन होगा, ठीक है। तो देख पा रहे हो जो हमारा जो डेस्कटॉप साइड में जिस तरीके से जो माउस का पॉइंट होता है वो जैसे शो करता है हमारा मोबाइल भी शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी अगर पेज को किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आसानी से उस पॉइंट को पॉइंट आउट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे क्या होगा अपना जो ऑडियंस है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब यूट्यूब पर अगर किसी भी सर्च का तो सर्च बॉक्स में ले जाने के बाद उसको रख देना, उसके बाद उस पर सर्च करना है। उसको सर्च करने के बाद आपको जिस जगह पे आपको पॉइंट आउट करना है उस जगह पे कर्सर को ले जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको उस जगह पे छोड़ देना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो मोबाइल है वो डिजिटल मोड की तरह माउस पॉइंट को एनेबल कर सकते हो, उसे शो कर सकते हो। सो दोस्तों इसी तरीके से अपने मोबाइल को स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हुए लाइव माउसर जो पॉइंट है उसे पॉइंट आउट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहे।